टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में देखेंगे हम यहाँ पर जीएसबी के बारे में। ग्रेनुलर सब बेस, ठीक, इसको जीएसबी बोलते हैं। ठीक, ये क्लियर होती है रोड के अंदर, रोड का जब काम करते हैं तब ये लेयर हम डालते हैं। ठीक, तो इसमें क्या क्या होता है क्या क्या नहीं मैं बता देता हूँ। तो पहला एमडीडी, इसमें मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी कितना होना चाहिए, इसमें होना चाहिए 2.305 ग्राम पर सीसी। ठीक, दूसरी चीज़ ओएमसी, यानी इसका ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कितना होना चाहिए, इसका होना चाहिए 6.38% जीएसबी के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक, तीसरा इसकी लिक्विड लिमिट एलएल और प्लास्टिक लिमिट, नहीं प्लास्टिक इंडेक्स कितना होना चाहिए, एलएल मतलब लिक्विड लिमिट एंड पीआई मतलब प्लास्टिक के इंडेक्स, ये कितना होना चाहिए, नॉट मोर देन 25% से 25% एंड 6%। ठीक, दूसरा सीबीआर, चौथे नंबर पे सीबीआर कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो, इसमें कितना होना चाहिए, सीबीआर हमारा होना चाहिए मोर देन 30%। ये बहुत हार्ड होती है इसलिए इसका सीबीआर भी ज़्यादा आता है। ठीक, सबग्रेड का सीबीआर कितना आता है, 7 से 10, 12, 15। ठीक, लेकिन ये इसका सीबीआर बहुत आता है 30%, 30% से ऊपर होगा तो भी चल जाएगा। ठीक, चौथा सीबीआर हो गया हमारा, फील्ड डेंसिटी जब टेस्ट करेंगे इसका तो कितना आना चाहिए, 98% इसका कॉम्पेक्शन आना चाहिए। ठीक, 99% होगा तो भी चलेगा, इससे कम होगा तो नहीं चलेगा। ठीक, पांचवा हमारा बेड फेल हो जाएगा अगर जो कम होगा तो। ठीक, ये हो गया। और मिनिमम साइज ऑफ एग्रीगेट, मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट कितना होना चाहिए, ये हमारा होना चाहिए मैक्सिमम 75 mm। ठीक, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए 75 mm से। छः में आ जाओ, मिनिमम लेयर, ये मैक्सिमम मैक्सिमम लेयर थिकनेस कितना होना चाहिए, 225 mm, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, 225 mm होगी तो हमारी चल जाएगी, उससे कम होगी तो भी चल जाएगी, अधिकतर 15 सेंटीमीटर यानी 150 mm में यूज़ करते हैं, 150 mm चलती है, बहुत सारी जगह ये चलती है 160 mm। ठीक, बहुत सारी जगह 200 mm भी चलती है, लेकिन इससे ज़्यादा हम यूज़ नहीं कर सकते। ठीक, किस में, जीएसबी के लिए। लेवल टॉलरेंस देख लेते हैं, लेवल टॉलरेंस हमारा कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए +10 mm से -20 mm तो भी चलेगा। ठीक, इतना होना चाहिए।
या हमारा इसमें क्या क्या देखा हमने, जब रोड का काम करते हैं तो एक हमारी लेयर होती है काई की, जीएसबी की, जीएसबी की लेयर होती है सब ग्रेड, सब ग्रेड के ऊपर, ठीक। यहाँ पर हमारी जीएसबी क्या आती है, उसके बाद डब्ल्यूएमएम की लेयर आती है, ठीक। तो यहाँ पर ये यह हो गया हमारा एमडीडीस की कितनी होनी चाहिए, 2.30 ग्राम पर सीसी, ठीक। ओएमसी कितनी होना चाहिए, 6.38% ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, किसका, जीएसबी का। लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक इंडेक्स कितना होना चाहिए, नॉट मोर देन 25% से 6%, ठीक। और दूसरी बात, सीबीआर कितना होना चाहिए, कम से कम 30% होना चाहिए सीबीआर, कम होगा 30 में से 28 भी होगा तो भी चल जाएगा, लेकिन इससे 30 से ज़्यादा होगा तो भी चलेगा, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक। फील्ड डेंसिटी 98%, 99% होगा तो भी चलेगा, ज़्यादा जितना अच्छा कॉम्पेक्शन होगा उतना अच्छा रहेगा, लेकिन 98% से कम होगा तो नहीं चलेगा। मैक्सिमम साइज एग्रीगेट की इतनी होना चाहिए, 75 mm, 75 mm से ज़्यादा होगी तो नहीं चलेगी। मैक्सिमम लेयर ऑफ थिकनेस 225 mm, लेयर की थिकनेस में 225 mm की थिकनेस में हम डाल सकते हैं, उससे ज़्यादा हम इसको नहीं डाल सकते हैं, ठीक। लेवल टॉलरेंस हमारा कितना होना चाहिए, लेवल टॉलरेंस +10 mm -20 mm, ठीक। थैंक्स।